बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नमस्कार, मैं वर्णु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में मिले कोरोना के 2163 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,26,990 हो गई है। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीजों की संख्या सामने आ रही है। इस कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों का इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 2163 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,26,990 हो गई है। बिहार में फिलहाल एक्टिव केस 21,814 कोरोना के हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर लगी मुहर। अल्पसंख्यक माध्यमिक के शिक्षकों को 7वां वेतनमान देगी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में कोरोना महामारी को लेकर मेडिकल यानी कि MBBS और PG की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्र छात्राओं को भी 1 महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया गया। मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकतर कर्मियों को 7वां वेतनमान देने तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के गठन के भी फैसले किए गए। भागलपुर में हंसडीहा मार्ग पर पकड़े गए एम्बुलेंस से भरकर लाई जा रही थी शराब। बांका में पुलिस ने भागलपुर हंसडीहा मुख्य मार्ग पर श्याम बाजार पेट्रोल पंप के पास गुप्त सूचना पर झारखंड की तरफ से आ रही एक एम्बुलेंस वाहन को रोक कर जांच की, जिसके बाद एम्बुलेंस के सीट के नीचे से रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टैग, रॉयल राइडर एवं मानवीय की 509 बोतल शराब बरामद की गई। इस मामले में कुल 141 लीटर शराब जब्त की गई है। आज से PMCH में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू। राजधानी में एम्स के बाद अब PMCH में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। पटना एम्स के निदेशक ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने लोगों से इस थेरेपी से इलाज करने में सहयोग करने की अपील की है। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त ने PMCH के प्राचार्य और अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अस्पताल में कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सुचारू और सुदृढ़ व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बेगूसराय में जमींदारी बांध टूटा, बलान नदी का पानी सैकड़ों घरों में घुसा, मची अफरा तफरी। बिहार के बेगूसराय जिले में बलान नदी का रिंग बांध मंगलवार को टूट गया। भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के जोकिया पंचायत के तेलन योगी मठ के समीप बलान नदी का रिंग बांध टूटने से इस पंचायत के वार्ड संख्या 7, 8 व 9 के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। लगभग 25 फीट की लंबाई में पानी का तेज बहाव गांव की ओर हो रहा था। इससे पानी का दबाव जमींदारी बांध पर बनने की आशंका बन गई। भागलपुर में हाईटेक रेल थाना बिल्डिंग पर कोरोना का साया, आइए जानते हैं क्यों बंद हुआ काम। भागलपुर में रेलवे अस्पताल के पास रेल थाना भवन का निर्माण चल रहा था। इस बीच भवन निर्माण में लगे संवेदक कोरोना संक्रमित हो गए, इस कारण निर्माण कार्य बंद करना पड़ा। भवन का निर्माण कार्य 1 साल के अंदर पूरा होना था, समय लंबा लगेगा। दरअसल नए रेल थाना भवन का निर्माण मार्च में ही शुरू हुआ था। पिलर निर्माण के लिए खुदाई का काम पूरा कर लिया गया था। इस दौरान लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गया था। अनलॉक 1 में काम फिर से शुरू हुआ तो संवेदक ही पॉजिटिव निकल गए। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स गैंग का खुलासा, ईडी व सीबीआई के साथ नारकोटिक्स ब्यूरो भी करेगा जांच। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में यह एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत की गर्लफ्रेंड व उनकी मौत के मामले की मुख्य आरोपित रिया चक्रवर्ती के ड्रग माफिया से संबंध की जानकारी मिली है। अब इस मामले की जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जुटने वाली है। इस मामले में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत को प्रतिबंधित दवाइयां देना, सुसाइड के लिए उकसाना और यह सब हत्या है। सुशांत की बहन श्वेता कृति ने भी ट्वीट कर इस पर CBI से तुरंत एक्शन की मांग की है। हालांकि रिया के वकील ने कहा है कि रिया ने कभी नशा नहीं किया है।
कोरोना संक्रमण से बेहतर रिकवरी वाले 3 प्रमुख राज्यों में बिहार भी है शामिल। कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की बेहतर दर यानी कि रिकवरी रेट वाले 3 प्रमुख राज्यों में बिहार भी शामिल है। यहां कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 83.74% दर्ज की गई है, जबकि बिहार के अतिरिक्त दिल्ली में 90% और तमिलनाडु में 84% है। वहीं देश में रिकवरी रेट 75% दर्ज की गई है। बिहार में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर अब तक 5 COVID-19 डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए हैं और छठे 500 बेड के कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल का निर्माण मुजफ्फरपुर में हो रहा है। दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गए युवक का खेत में मिला शव। बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र के मानसी पिपराही पलाड़ के पास बुधवार को एक युवक का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। जैसे ही युवक की संदिग्ध हालत में मौत की सूचना मिली तो भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। अब रेलकर्मी परिवार के साथ ई पास पर करेंगे सफर। लॉकडाउन में सब कुछ डिजिटल हो रहा है, अब रेलकर्मी भी ई पास पर सफर कर सकेंगे। मालदा मंडल ने ई पास की शुरुआत कर दी है। DRM यतेंद्र कुमार ने इसकी अनुमति दे दी है। नई व्यवस्था के तहत मंडल के भागलपुर, जमालपुर, बांका, साहिबगंज सहित अन्य स्टेशनों और वर्कशॉप के कर्मियों को इसका लाभ पहुँचाएगा। ई पास से ट्रेनों में आरक्षण करा सकते हैं सिर्फ भागलपुर में 1300 रेलकर्मी हैं। मालदा मंडल के DRM ने नई योजना की शुरुआत की। कोर्ट से इसका ऑनलाइन आरक्षण होगा। इस नई व्यवस्था के तहत रेलकर्मियों को काफ़ी सहूलियत होगी। परिवार के साथ ट्रेनों में ऑनलाइन आरक्षण कराकर रेलकर्मी सफर करेंगे। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। एनवी राजू की संपत्तियां हुई नीलामी, किसने लगाई बोली, कल होगा खुलासा। भागलपुर शहर के जिस बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य से सृजन घोटाले की शुरुआत हुई थी, उसी शाखा के लोन डिफॉल्टर और सृजन घोटाला का आरोपित इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी एनवी राजू की दो संपत्तियों की ई नीलामी प्रक्रिया बुधवार को शुरू हुई। नीलामी में किसने बोली लगाई और संपत्ति किसके हाथ लगी, इसका खुलासा गुरुवार को होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो शहर के ही 4 बड़े पूंजीपतियों ने नीलामी में भाग लेने के लिए बैंक को ई आवेदन दिए थे। राजू पर बैंक का कुल 1.56 करोड़ बकाया है। इसमें से 7 महीने पहले 53 लाख रुपए संपत्ति की नीलामी से बैंक ने रिकवर किया था। स्निफर डॉग की मदद से उजागर हुआ शराब का अंडरग्राउंड तालाब। पटना से पहुंची मध्य निषेध टीम के नेतृत्व में भागलपुर पुलिस आबकारी टीम ने जिले में चल रही शराब की बड़ी भीड़ का भंडाफोड़ कर दिया है। संयुक्त छापेमारी में नया टोला मखाना में 3 मंजिले मकान में चल रहे देसी शराब की भीड़ पर धावा बोल उसे ध्वस्त कर दिया। छापेमारी कर रही पुलिस को अड्डे पर प्रवेश करते ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सख्ती से पुलिस बल ने लोगों को खदेड़ते हुए गेट पर धक्का दे गेट को खोल दिया। मकान की छत पर मौजूद 4-5 लोग पिछले हिस्से से कूद कर भाग निकले। राजद के रवैये से रूठे रघुवंश के मान मनोबल में जुटे लालू, रामा सिंह भी इंतजार के मूड में नहीं। राजद में पूर्व सांसद रामा सिंह के आते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का जाना तय माना जा रहा है। लालू प्रसाद के लिए यह बड़ी क्षति होगी, लिहाजा मान मनोबल जारी है। अभी बात नहीं बनी है, प्रयास ने रंग लाया था, उम्मीदें बंधी थी कि इसी बीच तेज प्रताप यादव ने रंग में भंग डाल दिया। रघुवंश की तुलना राजद में एक लोटा पानी से कर दी और कहा कि उनके जाने से पार्टी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेज प्रताप के इस बयान से रघुवंश फिर भड़क गए। उन्हें मनाने के लिए लालू को नए सिरे से प्रयास करना पड़ रहा है, क्योंकि रमा सिंह भी ज्यादा इंतजार के मूड में नहीं है। पटना में कांग्रेस के पुराने नेताओं के बीच पार्टी अब नए चेहरे को आगे लाने की योजना पर काम कर रही है। यदि चुनाव में सीट बंटवारे में कोई पेंच नहीं फंसा और कांग्रेस को मन मुताबिक
80 से 84 सीटों पर किस्मत आजमाने का मौका मिला तो नए चेहरे चुनाव मैदान में नजर आ सकते हैं। पार्टी ने इसका फॉर्मूला भी बना लिया है। इसके अनुसार कांग्रेस में जिसने जितना जोड़ा उतना बड़ा कद होगा, साथ ही चुनाव में टिकट पर उतनी दावेदारी होगी। सूख रही है गंगा जैसे पूजनीय धर्ममूला नदी, पुराणों में भी है चर्चा। सहरसा में हिमालय से निकलने वाली धर्ममूला नदी गंगा जैसे ही पवित्र व पूजनीय है, पुराणों में भी इसकी चर्चा है। इसके तट पर कपिलेश्वर महादेव, मां उग्रतारा मंदिर सहित कई धर्म स्थलों के होने के कारण यह नदी पूजनीय है, लेकिन देखरेख व संरक्षण के अभाव में जिले से गुजरने वाली यह नदी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। पर्याप्त जल के अभाव में अब यह ऐतिहासिक नदी कई स्थलों पर सूखने लगी है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, असम की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी कोहिमा। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। भागलपुर में शव वाहन सेवा की शुरुआत जल्द, रोटरी क्लब ऑफ भागलपुर के द्वारा जल्द ही शव वाहन की सेवा शुरुआत की जाएगी। इसके लिए बुधवार को क्लब द्वारा पटना से आए शव वाहन प्राप्त हो गया। शव वाहन को फिलहाल इंडोर स्टेडियम में रखा गया है। रेटेरियन राजकुमार ने बताया कि इस सेवा के संचालक के लिए क्लब के 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसके द्वारा शीघ्र ही एक नियमावली बनाई जाएगी, उसके बाद ही सेवा का लोकार्पण किया जाएगा। मधेपुरा के सिंहेश्वर में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। मधेपुरा के सिंहेश्वर में बुधवार को श्रृंगी सेवा मिशन संस्था की ओर से बुधवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। यह आयोजन दधीची मुनि की जयंती के मौके पर किया गया। रक्तदान शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम का अहम योगदान रहा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 72 95 830 773 93 043 67 170।